हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेक राजपूत पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने विप्रो टेबल लैंप एक अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विप्रो मियो टेबल लैंप। ठीक है दोस्तों, और ये व्हाइट कलर का है, बाकी हम इसका कलर अभी देखेंगे बॉक्स को अनबॉक्स करके। बाकी मैं आपको इसका, देखो आपको पैकिंग थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा कि टेबल लैंप के नाम पे इतनी बड़ी पैकिंग क्यों है। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा इस चीज को देख के, लेकिन है ये वैसे थोड़ा सा बड़ा ही है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बड़ी जो है इसका बॉक्स आएगा आपको अगर आप ये टेबल लैंप ऑर्डर करते हो। बाकी मैं इसके फीचर्स वगैरह इसके सारे कुछ अनबॉक्स करके भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खोलना होगा, तो हम इसको खोल लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर वाला जो ये रिबन है इसका हटाता हूँ मैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है और ये बिल्कुल लेटेस्ट टेबल लैंप है विप्रो की ओर से। बाकी इसके फीचर्स वगैरह को देख के अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये है हमारा टेबल लैम्प और इसको मैं आपको अच्छे से तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये है विप्रो का मिनिमो टेबल लैम्प पर्सनल डेस्क लाइट। ठीक है, तो इसकी बॉक्स कुछ इस तरीके का है। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक एफिशिएंट पर्सनल एलिगेंट डिजाइन एनर्जी एफिशिएंट एलईडी सॉल्यूशन मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग सर्विस लाइफ टच एक्टिवेटेड पर्सनल कंट्रोल ग्रीन लाइटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बॉक्स के ऊपर कुछ ये सारी चीजें लिखी हुई है, गेट इंस्पायर्ड बाय नेचर। अब इसको हम खोलते हैं, इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं और मैं आपको इसको खोल के दिखाने वाला हूँ अभी। तो चलिए इसको खोलते हैं। खोल सकते हैं, खोल और इसके अंदर आपको टेबल लैंप पे सावधानी पूर्वक इसको निकालना है। ये रहा हमारा टेबल लैम्प और ये था हमारा बॉक्स, जो कि काफी एलिगेंट तरीके से पैकिंग हो रखी थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा टेबल लैम्प दिखेगा जो कि टेबल पे रखने के लिए है। और ये रहा हमारा टेबल लैम्प, तो काफी भारी सा है ये, और जितनी बड़ी इसकी पैकिंग थी वैसे इतनी बड़ी होनी करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इसका डिजाइन इस तरीके का है कि इसको बड़ी पैकिंग ही करनी पड़ी। ठीक है, तो भारी है काफी है। और अगर इसके वायर की लेंथ की बात करें तो वायर की लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर मैं वायर की लेंथ की बात करूँ तो मुझे लगता है ये साढ़े तीन फीट का अराउंड है इसका वायर का। तो ये है हमारा लैम्प, विप्रो यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हर तरफ से बात करें, मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि ये वाली चीज जो है वो नीचे फोल्ड होके ऐसे फोल्ड हो जाएगी दोनों तरफ से, बट ये फोल्ड नहीं होती है। जैसा का है जैसा है, बिल्कुल रिजिड है, ऐसे ही रहेगा ये। आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते, ज्यादा पोर्टेबल नहीं है ये। एक बार आप इसको जहाँ रख दोगे वो वही रहेगा। और अगर बाकी मैं इसकी लाइट की बात करूँ अगर इस साइड से, तो यहाँ पे ये लाइट लग रखा है, दो लाइट लग रखी है साथ, बड़ी बड़ी है। यहाँ पे स्क्रू है उनका और ये है हमारा, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है डायरेक्टली। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो 5250 रुपीज प्राइस लिखा हुआ है इसका। 240 वोल्ट एसी से चलता है और वाटेज इसका 9 वाट है। ठीक है, ये सारे डिटेल यहाँ पे विप्रो लिखा हुआ है। तो ये इतना भारी क्यों, मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें बैटरी तो है नहीं, ये बैटरी से तो नहीं चलता, ये डायरेक्ट लाइट से चलता है, तो इतना भारी क्यों है मुझे समझ नहीं आया। हम इसको चला कर देखेंगे। इसे मैंने कनेक्ट कर लिया लाइट से, मैं टैप करके देखता हूँ इसको। माय गॉड, काफी लाइट है इसमें। एक बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इसमें वो डीमिंग कंट्रोल वगैरह नहीं है, जैसे का जैसा है, जैसे चल रहा है वैसे जलेगा ये, तो इसमें कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है, डीमिंग कंट्रोल वगैरह। और अगर हम लाइट की बात करें तो इसमें छोटे छोटे एलईडी लग रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 12 एलईडी एक साइड में और 12 एलईडी दूसरी साइड में, तो छोटे छोटे एलईडी लग रखे हैं अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे में, तो 12 12 24 एलईडी लग रखे हैं इसमें। और ये क्या होगा कि अगर आप इसको टेबल पे रखोगे तो पूरा टेबल जो है, पूरे टेबल आपका कवर होगा इससे। और दूसरी चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसका जो स्टैंड है, स्टैंड कोई खास अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं बना पा रहा है सरफेस पे। तो फ्रेंड, एक चीज जो इसमें मैंने ऑब्जर्व करा वो बहुत अच्छा है। देखिए, ये वाली चीज जो है ये आपको, ये जैसे हम जैसे गियर वगैरह किसी चीज का होता है वो इस तरीके से ऐसे रोटेट होने वाला है ये। तो जो मैं बता रहा था कि अच्छे से टेबल पे फॉर्मली ये नहीं फिट हो रहा, वो इसीलिए नहीं फिट हो रहा क्योंकि इन्होंने इसको ऐसे हर तरफ से
बना रखा है अच्छे से ग्रिप करने के लिए। तो ये आपका ऐसे मूवेबल है, ये देखिए यहाँ तक मूव कर सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रोटेट हो रही है, ये वाली चीज जो है, ये वाला इलाका इसका रोटेटेबल है, ये देखो ऐसे रोटेट होता है बिल्कुल। तो ये डिजाइन जो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर बनाया है, बाकी मुझे कोई खास तो नहीं लगा ये टेबल है, बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये ऐसे होता है रोटेट, और ये आपको फोल्ड नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लाइट काफी ज्यादा है और इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने आपको अलग दूसरे टेबल में मैंने अनबॉक्स किया, उसमें क्या है डिमिंग कंट्रोल होता है, तो उसको आप टच करके रखोगे कुछ देर तक तो डिम होता है बढ़ता है उसके हिसाब से, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक टच से ऑफ होगा एक टच से ऑन होगा, और ये डायरेक्टली लाइट से चलती है, तो बैटरी का कोई सिस्टम नहीं है इसमें, और कोई एलईडी इंडिकेटर वगैरह भी नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि हमारे टेबल लैंप में लाइट आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, कोई एलईडी वगैरह नहीं लग रखा। सरफेस पे बस वो पैड सा बन रखे हैं, छह रबड़ पैड बन रखे हैं जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इतना खास प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर डिजाइन नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप में है, तो वो अच्छे से ग्रिप नहीं बना पा रहा सरफेस पे। तो दोस्तों यही है विप्रो मियो टेबल लैंप, मैंने जितना सोचा था एक्सपेक्टेशन जितना था मेरा उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, बट ठीक है, जो इसको परचेज करना चाहते हैं, जो पहले से इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, पहले से इसकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, उनके लिए काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, बट इसका जो डिजाइन है वो काफी बड़ा है, मैं सोचता था थोड़ा पोर्टेबल हो, ये दोनों चीजें जो ऐसे फोल्ड हो जाए तो कहीं कैरी करना भी आसान हो, काफी भारी है, अगर इसमें कोई बैटरी नहीं तो इतना भारी नहीं होना चाहिए था इसको जितना भारी है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल यही है विप्रो का हमारा मियो टेबल है, और मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ थोड़ा सा, आपको इधर से भी आप डिजाइन देखना चाहो तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। वायर की लेंथ भी कोई खास नहीं, आपको टेबल के पास ही आपका पोर्ट होना चाहिए तभी आप इसको लगा सकते हो, आप इस साइड से भी देख लो। ठीक है, तो वैसे तो डिजाइन जो है स्टर्डी है, टफ है, प्लास्टिक भी काफी, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, विप्रो का लोगो लगा हुआ है, और के लिए तो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।